हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा स्टाइल फाइल। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्टफ्ड मिर्च या भरवा मिर्च। यहाँ पर मैंने हाफ कप बेसन लिया है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले बहुत ही लो फ्लेम पे करना है, बहुत जल्दी ही ये ब्राउन हो जाता है, नहीं तो बस हमें इसका रॉ स्मेल निकालना है। इसे अब ये बन चुका है, खुशबू आने लगा है इसमें से। गैस ऑफ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून जितना अजवाइन, 1 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जितना जीरा पाउडर। मिक्स करेंगे सारे चीजों को अच्छे से। अब इसमें जाएगा बारीकी से कटा हुआ हरा धनिया और 2 टेबलस्पून जितना तेल। सारे चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। तेल इसमें बाइंडिंग एजेंट जैसा काम करता है, सारे स्टफिंग को ये पकड़ कर रखता है ताकि जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये हरी मिर्च से बाहर नहीं निकलता। मैंने यहाँ पर मीडियम स्पाइस वाला हरी मिर्च लिया है, लेंथ वाइज इसमें स्लिट करेंगे और इसमें से बीज निकाल लेंगे ताकि स्टफ करने में आसान हो। तो अब सारे ग्रीन चिलीज रेडी है स्टफ होने के लिए। 1 या 2 टीस्पून जितना हम स्टफिंग लेंगे और अच्छे से स्लिप में भर देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो हमारे सारे हरी मिर्च रेडी है स्टफिंग होके फ्राई होने के लिए। गरम तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और सारे हरी मिर्च को तवे के ऊपर रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से ये पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है बनके। बीच में जो है वो जल्दी ही पक जाते हैं तो उनको पहले निकाल लेंगे और साइड पे जो है उनको और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। राइस के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ या रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हो आप। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं, एक बार जरूर ट्राई करना। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।